हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल है अपने पास. इन द डायग्राम गिवन बिलो द 8.39, ये ए बी सी आर 3 एमीटर. यहाँ पर देखो 3 एमीटर लगे हुए हैं. ये एमीटर लगा हुआ है, ये आई करंट को रीड करेगा. ये आई वन करंट को रीड करेगा और ये आई टू करंट को रीड करेगा. तो कह रहा है कि अमीटर बी रीड्स, बी कितना रीड किया है, 0.5 एम्पियर रीड किया है. और इसने कितना रीड किया है, ठीक कह रहा है कि इस नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, हर एक का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इनमें रेजिस्टेंस है ही नहीं. ठीक है, तो कह रहा है द अमीटर बी रीड्स 0.5 एम्पियर. क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर ए एंड सी, ये कैलकुलेट करना है आपको, ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है. बाकी सारी वैल्यूज दी गई है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आर नेट ही कैलकुलेट करो, यही आपका एक काम हो सकता है. आर नेट हमने कैलकुलेट करना है, तो आर नेट इनका और इनका अगर कैलकुलेट करोगे तो ये पैरेलल में होंगे. तो पैरेलल में होंगे तो आर पी डैश कितना हो जाएगा, 6 × 3/6+3, क्योंकि फॉर्मूला होता है, क्या होता है, R1 × R2/R1+R2, इसी फार्मूले में हमने यहाँ पर रखा है. तो आर पी डैश इक्वल टू 18 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा. आर पी डैश कितना हो जाएगा, ये 2 ओम आ जाएगा. सर्किट को रीमॉडिफाई अगर हम करते हैं तो ये 2 ओम एज इट इज रहेगा और ये यहाँ पर ऐसे, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से, ये इसको हमने सॉल्व कर दिया, इसको तो ये 2 ओम का आ गया. तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया इस सर्किट में, नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 2+2 और ये 4 ओम का हो गया. अब अगर हम सेल का पोटेंशियल हमको अगर पता चल जाए, सेल का पोटेंशियल गिवन नहीं है, चलो सेल का पोटेंशियल नहीं गिवन है, तो हम यहाँ का I1 जो है वो तो हमको गिवन है, तो इसके लिए हमें पोटेंशियल मिल जाएगा. तो पोटेंशियल, अच्छा आर नेट हमने इसका कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 2 ओम आ गया. यहाँ का पोटेंशियल ही देख लो. तो यहाँ का पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 × 0.5, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 वोल्ट. इसका मतलब यहाँ भी 3 वोल्ट ही होगा. तो अब अगर यहाँ 3 वोल्ट हो गया तो V इज इक्वल टू IR से यहाँ भी सॉल्व कर लो. तो सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू तो यहाँ हमें पता ही है 3 वोल्ट की है, तो 3 हो गया. I की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, I की वैल्यू यानी I2 की वैल्यू और R की वैल्यू ये 3 रख लो, तो हमको I2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/3, 1 एम्पियर. कितना मिल गया हमको, 1 एम्पियर मिल गया. तो भैया हमको क्या क्या मिल गया, हमको मिल गया यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ पर 0.5 और ये I2 की वैल्यू हमको 1 एम्पियर मिल गया. नेट करंट क्या मिल गया हमको यहाँ पर I1 और I2. नेट करंट हमको क्या मिल गया, I1 की जो वैल्यू है वो 0.5 है, I2 की वैल्यू कितनी है, 1 है. नेट करंट 1.5 एम्पियर है, यहाँ पर 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर का, 1.5 एम्पियर का, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर का. तो ये वाला एमीटर कितना करंट पड़ रहा है, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर का. और अब B वाला कितना पड़ रहा है, B वाला तो अभी कैलकुलेट किया, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये कितना पड़ रहा है, 1 एम्पियर पड़ रहा है. तो सारा सॉल्व हो गया, अच्छा चलो अगर हम नेट रेजिस्टेंस अब कैलकुलेट करें, तो यहाँ का इसको सॉल्व किया था तो 4 ओम कितना मिल गया था, इसको सॉल्व किया था तो 1/6 और 3 को, तो ये मिला था 2 ओम, और इसको सॉल्व किया तो 2 ओम. नेट हमको कितना मिल गया, 4 ओम. ये हमें सॉल्व ही नहीं करना, ये तो मैंने पहले ही कर रखा है 4 ओम. तो इस सेल का EMF हमको कैलकुलेट करना है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I × R net हो जाएगा. तो I की वैल्यू हमको मिला हुआ है 1.5 और R net मिला हुआ है 4, और ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है. कितने की लगा रखी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है.